नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्तमान में कौन है, क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कौन सी सेना के अध्यक्ष कौन है, किस बैंक के अध्यक्ष कौन से हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, या BSF के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वह कौन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि करंट से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इस वीडियो के माध्यम से आपके दो चार क्वेश्चन भी यदि क्लियर होते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वर्तमान में कौन क्या है। ये जो हमने वीडियो बना रहे हैं, जैसे आज बना रहे हैं, तो आज 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त 2019 तक का इसमें अपडेट है। इसके बाद में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे। इसके अलावा हर महीने की पहली या सेकेंड तारीख को हम ऐसा वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो हर महीने आप हमारे साथ जुड़े रहें जिससे आप अपडेट होते रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हमने स्टडी से रिलेटेड बना रखे हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जिससे फायदा दोस्तों आपको ये होगा कि आपको हर भर्ती की नई अपडेट जो भी आएगी वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी नई जानकारी या जो भी करंट का GK है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो 17वीं लोकसभा के ये प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साथ है, उस घंटे के निशान को आपने नहीं दबाया है तो उसको भी आप जरूर दबा लें, क्योंकि उसको दबाने से फायदा यह होगा कि हमारे जितने भी वीडियो आएंगे सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा, तो आप हमारे सभी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो शुरू करते हैं, राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह श्री रामनाथ कोविंद है। हर क्वेश्चन के नीचे मैं उस व्यक्ति का फोटो दूंगा जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये फोटो में आपको रामनाथ कोविंद दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों वर्तमान में। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये वेंकैया नायडू हैं। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो ये फोटो में आपको सुनील अरोड़ा दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है। तो लोकसभा के जो वर्तमान महासचिव है उनका नाम है दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव। ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव भी हैं और वर्तमान में लोकसभा की महासचिव भी हैं, तो यह स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के स्पीकर कौन बने दोस्तों। तो हाल ही में लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिड़ला, जो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद हैं। तो ये ओम बिड़ला हैं, ये लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है, यानी उपाध्यक्ष कौन है। लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका नाम है दोस्तों रमा देवी। इससे पहले एम थम्बुरई थे, जिसका अभी कौन होगी रमा देवी हो गई हैं, जो तो हाल ही में विवादों में भी रही हैं क्योंकि आजम खान ने इन पर कोई टिप्पणी कर दी थी जिस कारण विवादों में रही हैं। तो ये रमा देवी हैं, ये हैं दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा की डिप्टी स्पीकर हैं। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी कौन है। तो महान्यायवादी जो हैं उनका नाम है दोस्तों KK वेणुगोपाल। तो KK वेणुगोपाल, जिन्हें आप अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, यह महान्यायवादी हिंदी में कहते हैं, वैसे अटॉर्नी जनरल का पूछ लिया जाए तो भी क्या आंसर होगा, KK वेणुगोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगाई। तो ये फोटो में आपको रंजन गोगाई दे रहे हैं, नए चीफ जस्टिस रंजन गोगाई, जिनके पास दोस्तों एक भी कार नहीं है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। तो रंजन गोगाई मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये श्री अजीत डोभाल हैं, ये अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये सुधीर भार्गव हैं, सुधीर भार्गव जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह श्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होता है, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। तो अध्यक्ष मोदी हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम दोस्तों श्री राजीव कुमार है। तो ये फोटो में आपको राजीव कुमार दिखाई दे रहे हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो ये फोटो में आपको अमिताभ कांत दिखाई दे रहे हैं जो नीति आयोग के CEO हैं। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो आज के दिन गवर्नर हैं उनका नाम श्री शक्तिकांत दास है। इससे पहले उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे। ऊपर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम आए हैं वो भी रघुराम राजन के शिष्य रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं SBI के अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम रजनीश कुमार है। इससे पहले दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य थी, उसके बाद में ये रजनीश कुमार वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम रजनीश कुमार है। नेक्स्ट है PNB के अध्यक्ष कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक PNB के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम दोस्तों सुनील मेहता है। ये सुनील मेहता आपको फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं उनका नाम है M. वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति भी हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, तो M. वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष कौन है? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों श्री के सिवान। तो फोटो में आपको श्री के सिवान दिखाई दे रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हाल ही में दोस्तों 22 तारीख को 2:43 पर चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कौन है? तो तीनों सेनाओं का जो सेना प्रमुख होता है उसका नाम दोस्तों राष्ट्रपति कहलाता है, और वह है रामनाथ कोविंद। यदि ऐसा पूछ लिया जाए तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कौन है, तो तीनों का जो सेना प्रमुख होता है वह रामनाथ कोविंद है, राष्ट्रपति होता है। और भारतीय थल सेना का पूछ लिया जाए तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी या इंडियन भारतीय थल सेना का प्रमुख पूछ लिया जाए तो वह है जनरल विपिन रावत। ये फोटो में आपको जनरल विपिन रावत दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय थल सेना के या भारतीय सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है दोस्तों एयर मार्शल BS धनोवा। तो ये BS धनोवा एयरफोर्स के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह है। तो इससे पहले एडमिरल सुनील लांबा थे, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये एडमिरल करमबीर सिंह है, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? तो BSF के जो वर्तमान महानिदेशक हैं उनका नाम दोस्तों रजनीकांत मिश्रा है, जो BSF के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ITBP के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम है दोस्तों सुरजीत देसवाल। तो सुरजीत देसवाल हैं ये ITBP के महानिदेशक हैं, तो सुरजीत सिंह देसवाल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? तो CRPF के दोस्तों राजीव राय भटनागर हैं, ये CRPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो फोटो में आपको ये राजीव राय भटनागर दिखाई दे रहे हैं जो CRPF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन है CISF के वर्तमान महानिदेशक। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है, ये रेलवे सुरक्षा बल RPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमान अमित शाह, जो BJP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। इससे पहले वाली सरकार में राजनाथ सिंह है वह गृह मंत्री के पद पर थे, तो अभी अमित शाह है वह गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विदेश सचिव कौन है? तो भारतीय जो विदेश सचिव हैं वह दोस्तों विजय केशव गोखले हैं, इससे पहले SJ शंकर जे जिन्हें अभी वर्तमान में विदेश मंत्री बनाया गया है। तो भारतीय विदेश सचिव कौन है? तो विजय केशव गोखले हैं, भारतीय वर्तमान विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं
उनका नाम है एस जयशंकर। ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं, इससे पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वही हैं जो पहले थे, इनका नाम है नितिन गडकरी। तो ये नितिन गडकरी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला है, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री इससे पहले मनोहर पारिकर थे, अभी इनका देहांत हो गया है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, अमेठी से सांसद हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया है। तो स्मृति जुबिन ईरानी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। पहली वाली सरकार में यह पद मेनका गांधी के पास में था। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम दोस्तों ए सूर्य प्रकाश है। तो ए सूर्य प्रकाश हैं, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वह आर एस शर्मा हैं। तो ये फोटो में आपको आर एस शर्मा दिखाई दे रहे हैं जो ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के सीईओ कौन है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है? इनका नाम है दोस्तों शशि शेखर वेम्पति हैं, ये प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये फोटो में आपको शशि शेखर वेम्पति दिखाई दे रही हैं, अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग कौन है? तो भारत के जो केग के बारे में पूछ लिया जाए तो उनका नाम दोस्तों राजीव महर्षि है। ये फोटो में आपको राजीव महर्षि दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। ये फोटो में आपको अरविंद सक्सेना दिखाई दे रहे हैं जो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी के हैं तो एसएससी के कौन हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम असीम खुराना है, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इनका वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? असीम खुराना है। अगला देखते हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन का नाम है दोस्तों विनोद कुमार यादव। तो ये फोटो में आपको विनोद कुमार यादव दिखाई दे रहे हैं जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम दोस्तों MR कुमार हैं, जो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री व वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? तो केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। तो ये पीयूष गोयल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। तो पिछले बारी सरकार में राधा मोहन सिंह थे, तो अभी कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो पिछली सरकार में दोस्तों वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अभी जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये फोटो में आपको निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कानून और संचार मंत्री कौन है? तो भारत के जो कानून और संचार मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद भारत के कानून और वर्तमान में संचार मंत्री हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों? तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उसका नाम है हरिवंश नारायण सिंह है। ये हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में जो सोलिसिटर जनरल हैं उनका नाम है दोस्तों तुषार मेहता। तो ये तुषार मेहता हैं, वर्तमान में सोलिसिटर जनरल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के जो वर्तमान में महासचिव हैं उनका नाम है दोस्तों देश दीपक वर्मा। तो देश दीपक वर्मा है राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद हैं। ये फोटो में आपको गुलाम नबी आज़ाद दिखाई दे रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा जो नए मंत्रालय गठन किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। तो ये फोटो में आपको गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह दोस्तों भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो एफटीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों बजेंद्र पाल सिंह, यानी बीपी सिंह, बजेंद्र पाल सिंह एफटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनआईए के अध्यक्ष कौन है, तो एनआईए के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों वाई सी मोदी, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं वाई सी मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम दोस्तों अजय त्यागी है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों रेखा शर्मा है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो हाल ही में चर्चा में भी है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति जय हिंद या स्वाति मालीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं जो पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। तो ये फोटो में आपको प्रकाश जावड़ेकर दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों अरविंद कुमार, तो ये आईबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष दोस्तों एन के सिंह को बनाया गया है, नंद किशोर सिंह है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रसून जोशी हैं, प्रसून जोशी ये फोटो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष दोस्तों जी सतीश रेड्डी हैं, तो जी सतीश रेड्डी है ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है, तो आयुष्मान भारत के जो सीईओ हैं वह श्री इंदु भूषण हैं, जो आयुष्मान भारत के वर्तमान सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नगर विमानन मंत्री कौन है, तो केंद्रीय जो नागर विमानन मंत्री हैं ये दोस्तों हरदीप सिंह पुरी हैं, तो हरदीप सिंह पुरी आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, तो अनिल कुमार झा हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन है, तो अनिल कुमार झा क्या है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। तो इंडियन जो हॉकी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इंडियन हॉकी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद है, इंडियन हॉकी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है, तो नागेंद्र नाथ सिन्हा है ये एनएचएआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत के वित्त सचिव कौन है, तो राजीव कुमार हैं जो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव है, तो ये राजीव कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह दोस्तों अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है ये अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीबीआई के निदेशक कौन है, तो सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं वह दोस्तों ऋषि कुमार शुक्ला हैं, जिन्हें सीबीआई के वर्तमान में निदेशक नियुक्त किया गया है ये ऋषि कुमार शुक्ला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो स्वाति मालीवाल या स्वाति जय हिंद पूछे जाए, तो ये हैं दोस्तों स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये फोटो में आपको स्वाति मालीवाल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये थे हमारे वर्तमान में कौन क्या से संबंधित 71 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। इसके अलावा भी दोस्तों आपको यदि लगता है कि सर ये जो पद के आपके ने नहीं बताइए तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसका भी आंसर आपको हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, तो अगली वीडियो में उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, सभी के साथ इसे शेयर कर दें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।